नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। हमने ये ठाना है क्षेत्र को स्मार्ट बनाना है, सबका साथ सबका विकास, गरीब मजलूम बेसहारा की आवाज मेरी पहली प्राथमिकता। जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 9 बुलंदशहर वीर गतिशील समाजवादी लोकिया और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी फेमिदा खातून वालिदा मोहम्मद सादिक को अपना कीमती वोट देकर विजय बनाए। जन जन की यही पुकार रेशमा परवीन अब की बात, इस बार विकास की बहेगी गंगा। कर्मठ शिक्षित ईमानदार युवा प्रत्याशी रेशमा परवीन पत्नी मशकूर अब्बासी वार्ड नंबर 16 जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवार बसपा प्रत्याशी को अपना कीमती वोट देकर सफल बनाए। यूपी के गोंडा जिले में रोजमाइन एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट ने हाई स्कूल व इंटर की पढ़ाई कर चुके ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो पैसे के अभाव में आगे की उच्च शिक्षा नहीं कर पाते, उनके लिए निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की है। जिले के ब्राइट लैंड कॉन्वेंट स्कूल निकट सूरज होटल बंगराइच रोड पर खुले कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ट्रस्ट की जिला यूनिट की सहायक एसोसिएट सोनल श्रीवास्तव ने बताया कि मेरे यहाँ हाई स्कूल एवं इंटर पास बच्चों के लिए उच्च शिक्षा हर स्टेट में, जिसमें नर्सिंग मेडिकल इंजीनियरिंग समेत अन्य जो भी कोर्स हैं, सब फ्री करवाया जाता है। सिर्फ रहने और खाने का खर्चा खुद उठाना पड़ता है, बाकी पढ़ाई में जो भी खर्चा आता है वो सब ट्रस्ट देता है। उसके लिए हमारे ऑफिस में आकर फॉर्म भर के अप्लाई किया जा सकता है। बच्चा किसी भी वर्ग से हो, सबके लिए निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था है। बच्चों की पढ़ाई के लिए मेरे ट्रस्ट को उद्योगपति, फिल्म स्टार और बड़े बड़े लोग पैसा डोनेट करते हैं, जिससे फीस की व्यवस्था होती है। उत्तर प्रदेश के गोंडा से अशोक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इसरार चौहान ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार गांव आसिफाबाद चंदपुरा गांव में विकास कराना है, गांव को उज्जवल बनाना है, हमारा संकल्प आपका सहयोग। इसरार चौहान को अपना कीमती वोट देकर सफल बनाए। मेरी संस्था जो बच्चा हाई स्कूल और इंटर पास आउट है, उसके बाद अगर वो कोई भी कोर्स करना चाह रहा है, जैसे नर्सिंग का, मेडिकल लाइन में जाना चाह रहा है, एजुकेशन में जाना चाह रहा है, डिप्लोमा में जाना चाह रहा है, तो हमारे यहाँ रोजमाइन जो ट्रस्ट है वो बच्चे का पूरा फीस देता है। सिर्फ बच्चा पेमेंट अपना रहने और खाने का पेमेंट करता है, हॉस्टल चार्ज उसे पेमेंट करना होता है, बाकी पढ़ाई का जितना भी पैसा आता है, जिस भी कोर्स का आएगा, जितना भी पैसा आएगा और जिस भी स्टेट में उसको कॉलेज मिलेगा, वो हमारे यूपी में भी कर सकता है, एमपी में भी कर सकता है, दिल्ली में भी कर सकता है, चाहे जिस स्टेट में जो कोर्स उसे करना है और जिस स्टेट में उसको पढ़ना है, ये कॉलेज से बच्चा भरता है। इसका नाम, इस फॉर्म का नाम है लीड जनरेशन। यहाँ पर वो अपना नाम, मोबाइल नंबर, डिस्ट्रिक्ट और बाकी किस क्लास में है, टेंथ पास आउट कर रहा है या ट्वेल्थ कर रहा है, तो उस पर वो टिक करके ये भर देता है। और बाकी यहाँ पर एसोसिएट का पूरा डिटेल्स ऑफिस का है, नंबर पड़ा हुआ है, संपर्क करता है। इसके बाद में बच्चा मेंबरशिप का फॉर्म भरता है, जो कि जिसका कुछ चार्ज पड़ता है मेंबरशिप में। ये फॉर्म मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, इसमें बच्चा पूरा डिटेल्स अपना भरता है, कोर्स का नाम, फिर नाम, फिर उसका डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, फिर उसका एड्रेस होता है, फुल एड्रेस, ईमेल, मोबाइल नंबर, लोकल गार्जियन, फिर ये देखिए नीचे आपको स्टेट दिखाई दे रहा होगा, ये स्टेट का चुनाव करता है। इसमें इतने सारे कोर्सेज हैं, आपको दिख रहे होंगे, इसमें वो जो भी कोर्स में जाना चाहे, जिस भी स्टेट में जाना चाहे, संस्था की तरफ से पूरा पैसा दिया जाएगा, सिर्फ हॉस्टल का चार्ज उसको देना होगा। इस चैरिटी को, चैरिटेबल ट्रस्ट को हमारे जो है वो अनुदान मिलता है। इसमें बड़े बड़े उद्योगपति हैं या फिर जो हमारे, हाँ जी सर, फिल्म स्टार हैं आपके, सलमान खान जी हैं, और बाकी जो भी है डोनेट करना चाह रहे वो लोग देते हैं। और जो है संस्था को खुद जो है इतना मिलता है कि वो बड़े आसानी से 350-400 यूपी का बच्चा जो है जा सकता है किसी भी कोर्स में, ओबीसी हो, एससी हो, जनरल हो, कोई भी बच्चा वो जा सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है इसमें। जन जन की यही पुकार हसमुद्दीन खान अब की बार। हसमुद्दीन खान जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 5 भाजपा प्रत्याशी निवासी मकरंदपुर पूरनपुर पीलीभीत को अपना कीमती वोट देकर विजयी बनाए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें, और भारत रफ्तार न्यूज की हर अपडेट के लिए
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।